ये फर्क है भाई हमारी जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है और आफ्टर मार्केट सीएनजी का। हाय गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज की वीडियो हमारी रहने वाली है ऑल न्यू बलिनो और ग्रैंड आइटन नियोस, दोनों वेरिएंट हमारे सीएनजी में इनके बीच में ड्रैग रेस। हालांकि ये हमारी फैक्ट्री फिटेड है, ये हमारी आफ्टर मार्केट, इसमें सीएनजी फिट हुई है, अभी एक महीने इसको हो गया। सीएनजी में अभी बात करें परफॉर्मेंस को, तो भाई कार परफॉर्मेंस हमारी सही निकाल रही है। एक बार मैं आपको ना इसका दिखा देता हूँ, ये हमारा सीएनजी किट है भाई, इधर लगी हुई मीजो प्रीमियम, हमने इसमें सीएनजी किट लगवाई है। वैसे जो स्टॉक आती है ना हमारी, ये तो पेट्रोल में जनरेट करती है 88 bhp और 113 Nm का टॉर्क, वहीं हमारी न्यूस आती है 82 bhp और वो जनरेट करती है 114 Nm का टॉर्क। तो टॉर्क में भाई थोड़ा सा फ़र्क है सिर्फ 1 Nm का, लेकिन bhp का हमारी दोनों कार में फ़र्क है। ये हमारी 82 करती है और वो हमारी 88 करती है, तो उस हिसाब से तो भाई बलिनो आगे निकलनी चाहिए। और बाकी अभी हम ड्रैग रेस करके देखते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा प्रॉपर हमारी कार कौन सी आगे निकली है। इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी हमारी सीएनजी में ही है, ये देख सकते हैं, ये भी हमारी सीएनजी में चलेगी और उसको मैंने स्विच कर रखा है। बाकी एसी हम दोनों कार का अपना बंद कर लेंगे। तो भाई बलिनो अपनी पीछे रह गई है, बराबर हमारी बिल्कुल लॉन्च हुई थी। ये फर्क है भाई हमारी जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी है और आफ्टर मार्केट सीएनजी का, उसमें हमारी आफ्टर मार्केट सीएनजी लगी हुई है, 120 पे हम पहुंच गए हैं और गैप बन गया भाई, कम से कम भी 2 गाड़ी होगा। तो इस राउंड की विनर भाई हमारी नियोस है सीएनजी में। अब एक बारी दोनों कार को ना भाई पेट्रोल पे करके देखते हैं, ये भी पेट्रोल पे और वो भी पेट्रोल में, फिर आफ्टर मार्केट जो सीएनजी फिटमेंट हुई ना उसका कोई रोल नहीं रहेगा। और अभी आपको एक बात बताता हूँ, इसकी जो सर्विस है ना हमारी वो ड्यू है भाई, ये 59 चल चुकी है, 60 पे इसकी सर्विस है, मतलब इसकी सर्विस आ चुकी है और वो हमारी सिर्फ 3500-4000 किलोमीटर चली है, वो हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है अभी, और ये हमारी 60,000 चल चुकी है, तो उस चीज़ का भी फर्क है। और लेकिन उसके बाद भी जो इसकी सीएनजी फैक्ट्री फिटेड आती है ना उसकी परफॉर्मेंस भाई बहुत बढ़िया है, तो उस वजह से भाई हमारी नियोस पहला राउंड जीत गया। अब हम अपना लास्ट राउंड स्टार्ट करते हैं पेट्रोल पे, ये भी हमारी पेट्रोल पे रहेगी, उसको भी हम पेट्रोल पे स्विच करवा देंगे, फिर हमारा बिल्कुल फाइनल पता चल जाएगा कि कौन हमारी कार ड्रैग रेस की विनर रहेगी सीएनजी पे भी और पेट्रोल पे भी। बाकी जो फैक्ट्री फिटेड वाली बलिनो आती है ना उसके साथ ड्रैग रेस करके देखना पड़ेगा कि उसमें क्या कुछ परफॉर्मेंस अलग निकलती है या नहीं निकलती। एक वीडियो बाकी उसकी मैं 0-100 की पेट्रोल में और सीएनजी में दोनों की आपको चैनल पे थोड़े दिन में मिल जाएगी, वहाँ पे भी मैं डालूंगा इसकी, अभी शूट नहीं करी है मैंने उसकी 0-100 पेट्रोल और सीएनजी में, कंपेयर करके देखते हैं कितना फर्क आता है। इसमें तो 2-2.5 सेकंड का फर्क है, इसका मैंने वीडियो डाल रखी है, बलिनो को और देख लेते हैं उसमें क्या कुछ फर्क निकल के आएगा अपना। तो भाई अपना सेकंड राउंड दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, एसी हमने ऑफ कर दिया है, सीएनजी पे अभी फिलहाल इसको हम पेट्रोल पे कर लेते हैं और बलिनो को भी हम पेट्रोल पे करवा देते हैं पूरी। तो अपनी पेट्रोल पे आ गई है, पेट्रोल में पूरा प्रॉपर उतर जाए कौन सी कार में परफॉर्मेंस भाई हमें ज़्यादा मिलती है। ये आ गई हमारी भाई बलिनो, तो एसी हमारा ऑफ हो गया, तो अपना सेकंड राउंड स्टार्ट करें। भाई बलिनो आगे गई, बराबर आ गई, मतलब 140 तक बराबर, उससे पहले भाई हमारी नियोस जीती है, उसके बाद भाई जैसे 110-120 पे है ना, तो वो हल्का सा जो गैप बना हुआ था ना एक गाड़ी के आसपास का गैप, तो उससे ज्यादा कोई गैप नहीं था और बिल्कुल सेम टाइम पे हमारी दोनों गाड़ी पिक करी थी। तो जो हमारा स्टार्टिंग में जो गैप बना था ना एक गाड़ी का, एक डेढ़ गाड़ी का, वो उसने भाई 100-110 पे आके कवर कर लिया था बलिनो ने। उससे पहले तो भाई हमारी नियोस विनर है पेट्रोल में। यही थी भाई आज की हमारी कंप्लीट वीडियो ड्रैग रेस के ऊपर, बलिनो और आइटन नियोस दोनों पेट्रोल में, दोनों में स्टॉक जो टायर आते हैं वही है, टायर साइज लगभग दोनों का सेम है, उसमें हमारा 175 आता है, इसमें 165 आता है, तो टायर का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें भी सीएनजी लगी हुई है, इसमें भी सीएनजी लगी हुई है, लेकिन ये कार भाई हमारी ज़्यादा रन हो रखी है और इसकी सर्विस भी ड्यू है, उसके किलोमीटर मैं आपको दिखा दूंगा, उसके किलोमीटर अभी कम है, तो उस हिसाब से भाई कार ने परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया निकाल के दी है। और हमारी बलिनो ड्रैग रेस के दोनों जो राउंड थे वो हार गए सीएनजी में भी और पेट्रोल में भी, तो हमारी विनर भाई सीएनजी और पेट्रोल में ग्रैंड आइटन नियोस ही है। तो ये देख सकते हैं भाई अपनी चली हुई है 5100 किलोमीटर, बिल्कुल हमारी टायर की कंडीशन दिखा देता हूँ, तो ये हमारी नई गाड़ी और ये हमारी 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो उस चीज़ का भी हमारा भाई फर्क है।
लेकिन विनर भाई हमारी ग्रैंड आइटन नियोस ही है दोनों राउंड की। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो भाई प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।